Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Students, we have started innings 9.2 and today we will start from question number 4. A girl used up 2/3 of her collection of beads on Monday. एक बच्ची है, उसने मंडे को उसके पास बीड्स हैं, उसका उसने 2/3 पोर्शन यूज किया. And 5/6 on Tuesday. On which day did she use a bigger portion? कौन से दिन उसने बीड्स का ज़्यादा पोर्शन यूज किया? ठीक. सो देखो बेटा, मैंने इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट बना ली. बीड्स यूज्ड ऑन मंडे, बुक में लिखा है 2/3. 2/3 का मतलब होता है 2/3. ठीक है. बीड्स यूज्ड ऑन ट्यूजडे, वहाँ लिखा है 5/6. 5/6 का मतलब 5/6. अब मैंने इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है. तो बेटा अब हमने लिख लिया 2/3, 5/6. अब मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करूंगी. ठीक है. 2/6 = 12, 5/3 = 15. नाउ 15 इज ग्रेटर देन 12, सो इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 2/5, 2/3. तो 5/6 कौन सी फ्रैक्शन थी? ट्यूजडे की. सो इट मीन्स शी यूज्ड अ बिगर पोर्शन ऑन ट्यूजडे. तो जो फ्रैक्शन हमारी बड़ी आई, उसी दिन उसने बीड्स का ज़्यादा पोर्शन यूज किया. ठीक है. आपने कुछ नहीं करना, जस्ट फ्रैक्शन बनानी है और उनको कंपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 5. रीमा क्लीन 2/7 ऑफ द रूम. जो रीमा बच्ची है, रूम का 2/7 पोर्शन क्लीन करती है. रिया क्लीन 2/5 ऑफ द रूम. रिया ने 2/5 क्लीन किया. एंड राजेश क्लीन्ड 1/4 ऑफ द रूम. राइट द पोर्शन ऑफ द रूम क्लीन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स कि हमने जो भी पोर्शन उसने क्लीन किया है बच्चों ने, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो बेटा 2/7 का मतलब 2/7 और 2/5 का मतलब 2/5 एंड 1/4 मीन्स 1/4. तो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस बन जाएंगी और हमने उन तीनों फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो बेटा मैंने लिख लिया, रीमा क्लीन द रूम 2/7, रिया 2/5 एंड राजेश 1/4. अब मैंने इन तीनों फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो इसके लिए देखो बेटा, तीनों का डिनोमिनेटर अलग है. सो इट मीन्स हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 7 और 5 और 4 का. लेकिन 7, 5, 4 ऐसे नंबर है, तीनों किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते. तो इसलिए मैं इन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास एलसीएम आएगा 140. अब मैं तीनों फ्रैक्शंस को लिखूंगी 2/7, 2/5, 1/4. और इन तीनों का डिनोमिनेटर मैंने 140 लेके आना है. कितना लेके आना है? जितना हमारा एलसीएम आया. अब मैं क्या करूंगी, कैसे पता चलेगा मैंने मल्टीप्लाई करना है? मैं करूंगी 140 को 7 से डिवाइड, तो मेरे पास 20 आएगा. उसी 20 को मैं इस फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कर दूंगी मल्टीप्लाई. ठीक है. और फिर मैं 140 को करूंगी 5 से डिवाइड, हमारे पास आएगा 28. और फिर उसी 28 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सेम जब मैं 140 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 35. तो हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगी. फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना. आप डिवाइड एक साइड में कर सकते हो. ठीक है. सो आपके पास यहाँ आ गया 40/140, देन 56/140 और थर्ड नंबर पे आ गया 35/140. अब देखो तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए. तो अब इसमें जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 56 वाली है. 56 किसकी फ्रैक्शन है? 2/5 की. देन 40 में है 2/7, 35 में 1/4. तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर 2/5 किसकी फ्रैक्शन थी? रिया की. 2/7 रीमा और 1/4 किसकी है? राजेश की. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. कृतिका लाइक्स टू ट्रेवल. कृतिका को ट्रेवल करना अच्छा लगता है. दिस वेकेशन शी स्पेंट 2/3 ऑफ हर हॉलीडेज इन फ्रांस. उसने अपनी छुट्टियों का 2/3 मीन्स की 2/3 फ्रैक्शन, जो अपनी छुट्टियों का पार्ट जो है वो फ्रांस में स्पेंड किया. 1/5 इन ग्रीस एंड 2/15 इन कैनेडा. ठीक है. फ्रांस में स्पेंड किया उसने, ग्रीस में और कैनेडा में. फाइंड वेयर शी स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हर वकेशन. हमने फाइंड करना है कि उसने अपनी छुट्टियों का मेजर पार्ट कहाँ पे स्पेंड किया. जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम आया था? रिया का. और ऐसे इसमें हमने भी डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे और सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ उसने जहाँ पे बिताई होंगी उस हमने कंट्री का नाम लिख देना है. ठीक है. सो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने इसको ट्राई जरूर करना. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7. इन ए मैथ्स टेस्ट 25 out of 30 स्टूडेंट पास. मैथ में 25 स्टूडेंट्स पास हुए. इन इंग्लिश टेस्ट 22 out of 25 स्टूडेंट पास.
इन विच सब्जेक्ट डिड मोर फ्रिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फेल, हमने बताना है कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। यहाँ पे हमें पास वाले बताए हैं, लेकिन हमसे जो फ्रिक्शन पूछी है वो किसकी पूछी है, फेल वालों की। अब देखो बेटा, एक तरफ आप मैथ्स लिख लेंगे, एक तरफ इंग्लिश, टोटल स्टूडेंट्स 30 है, पास 25 हुए, तो अब आपने फेल कितने हैं, 5 बच्चे फेल हुए, ठीक है। तो अब हमने पहले इनकी फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन के लिए फेल स्टूडेंट्स 5 हैं और हम जो फ्रैक्शन बनाते हैं वो टोटल के साथ बनाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। ऐसे ही इंग्लिश में आपके कितने बच्चे फेल हुए, 3, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, 3/25 क्यों आया, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स इंग्लिश में 25 थे, ठीक। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, 5/30 को और 3/25 को। 25 × 5 = 125, 3 × 30 = 90, तो 125 इज ग्रेटर देन 90, सो इट मीन्स ज़्यादा बच्चे किस में फेल हुए हैं, मैथ्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।